नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बच्चों से जुड़े हुए सवाल है। कई लोग बच्चों की शिकायत में होते हैं कि बच्चों की हमारी स्कॉलरशिप लगेगी, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, उसके बाद पीएचडी लेवल तक। अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि हमें जिस भी संस्थान से जुड़े होते हैं वहां से स्कॉलरशिप आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा बताती क्या है? जीवन रेखा आपके करियर के बारे में बताती है, आपके प्रोग्रेस के बारे में बताती है, आपके हेल्थ के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा ये क्या बताती है? मस्तिष्क रेखा हमारे जो सोचने की शक्ति होती है उसके बारे में बताती है, हमारे जो सपने होते हैं उसके बारे में बताती है, और जो हमारा धर्म होता है उसके बारे में बताती है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको हम बैक पेन कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा सिर्फ हमारे व्यवहार के बारे में बताती है कि हमारे नेचर कैसा है, हम किस तरह का बर्ताव करेंगे। इसका धन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके व्यवहार के ही बारे में बताती है। तो आइए सबसे पहले उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जो बच्चों से जुड़ा है, और बच्चे देश के करियर, देश की शान होते हैं। हर बच्चों की इच्छा होती है कि मैं पढ़ाई के दौरान क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर आपके बच्चों के हाथ में ये चिन्ह बनता है तो ये निश्चित रूप से उस चीज को मजबूत करता है कि आपके बच्चे अवश्य स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्कॉलरशिप की जो लाइन होती है, हम किसी भी चीज को जीवन से जोड़ के देखते हैं। कहते ना, जीवन की शुरुआत जीवन शैली से ही होती है। अगर हमारे जीवन रेखा के ऊपर ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, ऐसी ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनता है, प्लस टू के बाद, टेंथ के बाद आपने देखा होगा बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद कॉलेज लेवल तक ये स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे डॉक्टर होते हैं, सीए हो गए, या पीएचडी लेवल के स्तर तक इनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। एक चीज का ख्याल रखना और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके हाथ में जितना ये ट्रायंगल बड़ा होगा उस स्कीम की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, मतलब स्कॉलरशिप बड़ा मिलेगा। अगर छोटा ट्रायंगल है तो छोटा इस बेनिफिट मिलेगा, अगर ये ट्रायंगल बड़ा है तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कई बार आप देखे होंगे कि अगर ये बच्चे पढ़ाई के दौरान नहीं है, अगर उनकी पीएचडी भी कर रहे हैं तो उस दशा में क्या होगा, आपको उनको पीएचडी की जो डिग्री है वो अच्छी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये उद्देश्य को पूरा करता है। ट्रायंगल का काम है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ उद्देश्य को पूरा करना है, और ये उद्देश्य तब पूरा होता है अगर आपके हाथ में ऐसे ट्रायंगल है। मान लो अगर आपके हाथ में ये ट्रायंगल है, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस स्थिति में आपके प्रॉपर्टी बनने का भी संकेत बताता है। अगर आप स्कॉलर में नहीं है या कॉलेज लेवल पे नहीं है तो आपके इस अवस्था में क्या करता है, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है ये आपकी प्रॉपर्टी का भी संकेत देता, धन अर्जित का संकेत देता है। और एक भाग रेखा ये परवल हो,
और जितना बड़ा प्रॉपर्टी का योग बनेगा, अब बड़ा ट्रायंगल बन गया तो दो तीन प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।